मैं जा रहा हूँ दोबारा से ऊपर, और जो इनके चार फ्लोर्स हैं एग्ज़िबिशन के, ये उसमें से पहला फ्लोर है। ये सारे फ्लोर्स एग्ज़िबिशन के ही हैं, 1, 2, 3, 4। इसके अंदर इन लोगों ने सभी कुछ दिखाया हुआ है किस तरह से। ये देखिए, सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि जो क्लॉक है ये उसकी एक्चुअल मशीनरी है। ये वाला व्हील जो आप देख रहे हैं, ये व्हील है मिनट्स का, और ये इसके बाहर सुइयां लगी हुई हैं जो हमें दिखती हैं। एक एक फ्लोर हम नीचे उतरते जाएंगे और एग्जीबिशन पूरी होती चली जाएगी। ये वो क्लॉक मशीन है पीछे से, चारों कोनों पे के क्लॉक है, तो इसलिए चार ही क्लॉक्स यहाँ पर हैं। लेकिन अभी इन्होंने जो एग्जीबिशन में दिखाई हुई है वो सिर्फ दो क्लॉक्स दिखाई हुई हैं, बाकी को कवर किया हुआ है दूसरी चीज़ों से। दूसरी क्लॉक ये ठीक उसके सामने है, सामने वो फ्रंट साइड है, ये बैक साइड है। अब मैं नीचे उतर रहा हूँ, फोर्थ पे से थर्ड पे जा रहा हूँ, थर्ड से फिर नीचे जाएंगे। इस फ्लोर पे इन्होंने सन, अर्थ एंड मून की डिफरेंट डिफरेंट डिटेल्स दे रखी हैं, साथ में कुरान की आयत। और उतरते उतरते नीचे जाएंगे हम, वहाँ पर वो है एक्चुअल व्यूइंग डेक जो हमें बाहर का सारा व्यू दिखाएगा, हरम दिखाएगा। ये है हमारा इंडिया, ये पुराने ज़माने के कैलेंडर के तरीके हैं। ये जो लाइनें हैं ये महीने हैं, ये अलग अलग कैलेंडर्स हैं, यहाँ पर अलग अलग वक्तों के हिसाब से ये बढ़ते चले गए। ये वो इंग्लिश कैलेंडर जॉर्जियन जो हम लोग यूज़ करते हैं। ये रेड इंडियंस का कैलेंडर था, और ये हिंदू कैलेंडर। ये जो डिजिटल क्लॉक है ये दुनिया में दो या तीन ही है। इसमें आवर्स हैं, मिनट्स हैं, सेकंड्स हैं, मिली सेकंड्स हैं।
उसके बाद इसमें माइक्रो सेकंड्स हैं, और माइक्रो सेकंड्स के बाद इसमें नैनो सेकंड्स हैं। ये दुनिया में दो या तीन ही घड़ियां हैं ऐसी जिसमें नैनो सेकंड्स तक हैं। जो बाहर हम आप देखने जा रहे हैं, ये उसका लाइफ साइज है, एक्चुअल साइज। ये क्लॉक टावर का मॉडल है जो एग्जीबिशन में रखा हुआ है। ऊपर लगी हुई है इसके, और ये ग्रीन कलर की एलईडीज जो सिर्फ वक्तन फवक्तन ये लोग हिसाब से ऑन करते हैं। ये बीकन लाइट्स, ये वाली, ये मैं यहाँ से ऑफ कर रहा हूँ, ऑन हो गई। उसके बाद लेज़र बीम, ये ऑफ, ये ऑन। उसके बाद क्लॉक फेस, ये ऑफ हो गया, ये ऑन हो गया। उसके बाद मीडिया वॉल्स, यानी जहाँ पर ये आयात वगैरह लिखी हुई है, ये ऑफ हो गया, ये ऑन हो गया। उसके बाद स्पार्कलिंग लाइट्स, स्पार्कलिंग लाइट्स ये वाली, ये ऑन, ये ऑन हो गई, और ये ऑफ हो गई। ये लाइट्स जो लोग सुन नहीं सकते उनके लिए लगाई गई हैं, ताकि वो इसको देखकर अंदाज़ा लगा लें कि अजान हो गई है। उसके बाद ये एक दुनिया की सबसे ऊंची मस्जिद बनने जा रही है। ये एक साल के बाद ये एरिया भी खुल जाएगा एग्जीबिशन के लिए, और हम फिर ऊपर भी जा पाएंगे। ये सिर्फ ऊपरी हिस्सा है जो घड़ी के बाद से शुरू होता है। ये उसी घड़ी की मशीन का मॉडल, ताकि आप इसको दाएं बाएं हर तरफ से देख सकें। ये उसका मसनूई मॉडल है, असली आप नीचे देख चुके हैं। और ये उसके गरारियां, ये सब लाइफ साइज हैं, एक्चुअल साइज की हैं। ये घड़ी जर्मनी की बनी हुई है। ये वो LEDs, ये 12 नंबर एक्चुअल साइज। ये LEDs एक्चुअल में जो लगी हुई हैं वो दिखा रखी हैं यहाँ पर। मुख्तलिफ़ किस्म की LEDs हैं, नीचे उनकी डिटेल्स हैं। और ये LED के भी अंदर का सारा स्ट्रक्चर दिखा रखा है। ये बैक साइड का व्यूइंग एरिया है, और अभी फ्रंट साइड पर भी हम जाएंगे। यहाँ पर इसलिए कम लोग हैं क्योंकि यहाँ से हरम नहीं दिखता है, ये उसकी बैक साइड है।
और ये ठीक मेरे ऊपर वो घड़ी जो मशहूर है ज़माना घड़ी है दी क्लॉक टावर की, ये जो गोल्डन जितना भी आपको नज़र आ रहा है ये प्योर सोना है 24 कैरेट गोल्ड, इसकी मेकिंग हमने नीचे देखी वीडियो में। मैं इस वक्त बैक साइड के व्यूइंग डेक पे खड़ा हूँ, बिल्कुल दूसरी साइड पे हरम शरीफ वाला व्यूइंग डेक है वहाँ अभी जाऊँगा, और यहाँ कुछ कम रश है क्योंकि यहाँ से हरम नहीं दिखता है, तो मुझे लगा कि एक बार यहाँ भी आके हमें देखना चाहिए, और थोड़ा आगे तक चलते हैं देखते हैं और क्या क्या है यहाँ पर। जो दूसरी साइड वाला डेक है उसके ऊपर बाइनोकुलर्स भी लगी हुई हैं डिजिटल, उससे भी आप दूर दूर तक का देख सकते हैं। उन बाइनोकुलर्स में उसका नेम टैग भी आ जाता है, जहाँ भी आप अपनी वो दूरबीन लेकर जाएंगे उसका नेम टैग आपको आ जाएगा। ये मकारिम है, ये वाला आई थिंक ये मकारिम है, मैं नहीं समझ पा रहा यार सॉरी। हाँ हाँ ठीक है समझ आ गया, देखिए ये शाह का महल और ये जियाद स्ट्रीट, ये वाली ये जियाद स्ट्रीट, और इसके बिल्कुल नीचे अगर देखें तो सफवा की बैक साइड होगी सफवा होटल की, और ये मकानी वाला शोहदा वाला रोड जा रहा है। ये नीचे जो आपको रेड रेड सी बसेस नज़र आ रही हैं ये जो वापस जा रही है ये सारी बसेस वही हैं, ये वही पॉइंट है जहाँ पर हमारी ली मेरिडियन की और रमाडा की और लमार वगैरह की बसेस ड्रॉप ऑफ करती हैं, और ये इधर शारा इब्राहिम है, ये शारा इब्राहिम सारी शारा इब्राहिम, ये है ली मेरिडियन टावर्स जहाँ मैंने स्टे लिया है। ये अब बस किसी भी वक्त मगरिब की अजान होने वाली है, ये दो टर्न الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.